नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो है हम एक बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो बार बार एक क्वेश्चन सामने आता है कि SIP मार्केट में की जाए या लमसम। अब लोगों के पास डिपेंड करता है क्या है SIP या लमसम जो है, ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ये डिपेंड करता है। तो उसको आंसर करने से पहले कि हम दोनों में से क्या चूज़ करें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अब SIP क्या होता है? SIP अगर आसान भाषा में बताया जाए तो SIP एक छोटा छोटा एक इन्वेस्टमेंट है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। स्टॉक्स में भी लोग करते हैं SIPs, मगर SIP छोटा अमाउंट होता है जो हम रेगुलर इंटरवल में करते हैं। लमसम क्या होता है? लमसम होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने एक बार पैसा डाला, मगर वो छोटा अमाउंट नहीं होता, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब दोनों में से कौन सा अच्छा है? तो सबसे पहले हम मार्केट को समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें समझ में आएगा कि SIP अच्छा है या लमसम अच्छा है। अब मार्केट जो है वो लंबे समय में ऊपर जाती है, अच्छी तेज़ी दिखाती है, मगर शॉर्ट टर्म में क्या होता है, उसमें बेयर मार्केट भी आती है, उसमें करेक्शंस भी आते हैं, उसमें डिप्स भी आते हैं। तो कभी भी आप दोनों में से जो भी मेथड चुने, आगे चल के लमसम या SIP अपने हिसाब से आप जो भी करें, हमेशा याद रखें लॉन्ग टर्म ही चुने, शॉर्ट टर्म बिल्कुल ना चुने। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे, स्पेशली लमसम, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपको नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने मिलेंगे। क्योंकि मार्केट जो है वो लंबे समय में, अगर मैं मार्केट का आपको ग्राफ दिखाऊं, तो मार्केट थोड़ा चलती है, थोड़ी गिरती है, थोड़ी चलती है, काफ़ी गिरती है, फिर चलेगी फिर। पर अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट को कैलकुलेट करें, तो लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही गई है। मगर अगर मैं ए पॉइंट से इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को कंपेयर करूँ, तो कुछ खास तेज़ी नहीं है। और अगर मैंने लमसम यहाँ लगा लिया नीचे पे, तो आप यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छे गेंस देख सकते हैं। मगर अगर मैंने सबसे टॉप पे जाके लमसम किया और यहाँ मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर आप बताइए आपके पैसे बने या घटे। अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखें लंबे समय में, ए पॉइंट से बी पॉइंट जब हमें जाना है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म देखेंगे अगर हम, तो मार्केट बहुत अच्छी तेज़ी आपको दिखा सकती है। ओवरऑल मार्केट ने अच्छी ग्रोथ ही पास में दिखाई और आगे भी इंडिया का फ्यूचर अच्छा है, दैट मीन्स इंडिया की मार्केट अच्छी करेंगी। शेयर मार्केट पे हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं, हमारा आगे चल के पैसा नहीं बनेगा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा यही बनेगा अगर आप किसी भी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो। मगर जब भी इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, स्पेशली आपके जो लमसम इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि बॉटम पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप टॉप पे आ गए अगर लमसम में, तो फिर हो सकता है आपका जो पैसा है थोड़ी देर के लिए निवेश करने से ना बने। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, पर वो लॉन्ग टर्म वाली बात हुई, थोड़े टाइम के लिए करेक्शन भी आएगी, टिप भी आएगी, और आपको गिरावट का सामना करना पड़ेगा। अगर हम पास्ट की बात करें, 2014 में जो निफ्टी 50 था वो 6040 पे चल रहा था, 6040 पे चल रहा था, और आज के समय में आप देख सकते हैं 24000 भी क्रॉस कर चुका है। विद इन अ डेकेड आप देख सकते हैं कितनी मैसिव तेज़ी जो है वो निफ्टी के अंदर आई है, और आगे आने वाले जो 10 साल हैं उनमें भी बहुत अच्छी तेज़ी आएगी। वो आप खुद क्या, आप कहीं भी आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करेंगे, आप इंडिया के ग्रोथ पे अगर बिलीव करते हैं, तो आपको यही लगेगा कि बहुत अच्छी तेज़ी जो है आगे आने वाले सालों में भी आएगी। मगर अगेन आपको यही रूल ऑफ थंब फॉलो करना है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है आपको। अब SIP का क्या बेनिफिट होता है? लमसम में तो हमने इकट्ठा पैसा डाल लिया, मगर हमें टॉप बॉटम पता नहीं होता, तो डर रहता है यार अगर मैंने इस लेवल पे कर दिया यहाँ से मार्केट गिर ना जाए। पर लंबे समय में कर रहे हो ना, लंबे समय के लिए कर रहे हो, तो वो भी डर आपका ख़त्म हो जाता है। SIP में एडवांटेज क्या होता है कि आप हर लेवल पे करो, एवरी मंथ आप करेंगे,
तो आपने करेक्शन में भी किया है, डिप में भी किया है, कभी कभी ऑल टाइम हाई पे भी जाया करेगा। अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपका एवरेज जो है कभी भी आप ऑल टाइम हाई पे नहीं फंसेंगे, आपके रिटर्न स्मूदली बनेंगे। सो SIP में वो एडवांटेज होता है कि नंबर वन, हमें बहुत एक साथ बहुत सारा पैसा जो है बहुत लोगों के पास नहीं अवेलेबल होता है, थोड़ा थोड़ा होता है क्योंकि जॉब कर रहे होते हैं, बाकी सारे खर्चे होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम रहता है, स्पेशली जब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ तब। सो उन लोगों के लिए SIP जो है वो बहुत अच्छी है। एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केट का आपको जो एडवांटेज है वो भी देखने मिलता है, क्योंकि हम सब मान के चल रहे हैं कि किसी को भी, दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, उसको नहीं पता कि बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है मार्केट का। सो लमसम में आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टडी करना पड़ेगा, डीपली कन्विक्शन लेके आनी पड़ेगी कि हाँ ये टॉप नहीं है, यहाँ से हमें करेक्शन देखने नहीं मिलेगी और हमारा पैसा जो है वो अच्छे से बढ़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल को ले लेते हैं। एग्जांपल से जो हम नंबर्स को देखेंगे ना तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो थोड़ी सुनी सुनाई बातें हो गई, ये तो कुछ लाइंस हो गई, डायलॉग्स हो गए कि SIP है, लमसम ये अच्छा है, बुरा है वगैरह, मगर जब हम नंबर्स के थ्रू समझते हैं ना तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर दोनों कवर करेंगे, अगर मैंने लमसम लगाया और मैंने SIP लगाया, मेरा कितना पैसा बन जाएगा? अगर मैंने 2 लाख रुपए का लमसम किया, ये लमसम वाला एग्जाम्पल है, अगर मैंने 2 लाख रुपए का लमसम किया मार्केट में, मैं एक फ़ंड को ले रही हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आप कोई भी फ़ंड ले सकते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए हो रहा है कि अगर आप यहाँ लमसम करेंगे और SIP करेंगे तो कैसे आपके पैसे बन सकते हैं। सो अगर मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फ़ंड लिया तो इसके मैं रिटर्न्स आपको ज़रा बता दूँ। रिटर्न्स पास्ट 1 ईयर में इसके हैं 68.78%, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। 3 सालों में 40% रिटर्न्स हैं, 5 ईयर्स में 34% रिटर्न्स हैं, और ओवरऑल इसके जो रिटर्न्स हैं वो है 26%। अगेन बहुत सुंदर रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं इस फंड के, क्योंकि अगेन इट्स अ मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में बहुत अच्छी तेज़ी आती है, बहुत अच्छी ग्रोथ आती है, और लंबे समय में इस फंड ने आपको बहुत अच्छे CAGR या रिटर्न्स कमा के आपको दिए हैं। अब अगर मैंने इस फंड में 2 लाख रुपये का लमसम किया, मैं यहाँ पर रिटर्न्स लगा के चल रही हूँ 20%। अब मैंने इस फंड ने तो लंबे समय में 26% दिया, तो मैं 20% रिटर्न से क्यों कैलकुलेशन करूँ? क्योंकि मुझे आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच दिखानी है। मैं आपको कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहती हूँ कि अरे पास्ट में इसने इतना दिया आगे भी उतना देगा, नहीं। पास्ट सिर्फ फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने में मदद करता है, लेकिन कभी भी ये पत्थर की लकीर नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा, हो सकता है आगे जाके बेयर मार्केट आए और आपको वैसे रिटर्न्स ना मिले। सो इसीलिए आपने ध्यान में रखना है कि रिटर्न्स हमेशा थोड़े कम ही लगा के चलें तो अच्छा रहेगा। सो मैंने यहाँ 20% ले लिया, जो कि इन सब में से कम रिटर्न है। अब अगर मेरे रिटर्न्स 20% बने, 2 लाख रुपये का लमसम है, टाइम मैंने 15 सालों का ले लिया अगर, तो मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी इसमें? मेरी वैल्यू हो जाएगी 32.7 लाख रुपीज़, यानी कि सिर्फ 2 लाख रुपीज़ का लमसम, 20% की रिटर्न्स, 15 साल का अगर मैंने टाइम दिया इस लमसम को इस फंड के अंदर। ऑफ कोर्स मैं तो चाहती हूँ कि आपके इससे ज़्यादा ही रिटर्न्स बने, एंड जो पास्ट के एवरेज रिटर्न्स मिल रहे हैं अगर उतने मिल गए तो इससे भी ज़्यादा आपको देखने मिलेगा, लेकिन आपके पैसे कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। अब सेम चीज़ अगर मैं SIP मोड से करूं, अभी एग्जांपल SIP का है, अगर मैंने 2000 रुपये की SIP की प्रति महीने की, सेम रिटर्न से मान के चल रही हूं, जो फंड है वो तो सेम रिटर्न देगा, चाहे मैं SIP करूं चाहे मैं लमसम करूं, सो रिटर्न्स 20% है। टाइम सेम 15 ईयर्स अगर मैंने लगाए तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा? मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा, जो मैंने अपनी पॉकेट से दिया है,
360,000 जो है ये मेरा निवेश हो जाएगा। मतलब मैं 2,000 रुपये की SIP कर रही हूँ 15 सालों के लिए, तो 360,000 मैं देऊँगी टू द म्यूचुअल फंड। अब मेरा पैसा कितना बन जाएगा, द वैल्यू ऑफ माई इन्वेस्टमेंट विल बी 22.7 लाख रुपीज़। सो ये डिफरेंस आ जाता है बिटवीन लमसम एंड SIP। लमसम में हमने 2 लाख रुपये लगाए थे लेकिन एकदम उसी टाइम लगा दिए, आगे फिर कुछ नहीं देना। SIP हर साल चल रही है, हर महीने चल रही है, थोड़ा 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 करके एंड में मेरे पॉकेट से 360,000 निकल गया। मतलब मैंने थोड़े ज़्यादा पैसे दिए हैं क्योंकि मैं SIP मोड फॉलो कर रही हूँ, मतलब इंस्टॉलमेंट मेथड में फॉलो कर रही हूँ। और मेरी जो वैल्यू है अगेन SIP से थोड़ी कम बनी है और लमसम में मेरी थोड़ी ज़्यादा बनी है। सो यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा पैसे दे रही हूँ और पैसा भी थोड़ा कम बन रहा है, लमसम में मैं पैसा भी कम लगा रही हूँ मेरे पैसे भी ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा अगर आप मार्केट को करेक्शन पे पकड़ेंगे, यानी कि बॉटम पे पकड़ेंगे। अगर आपने गलती से बहुत ऊंची इन्वेस्टमेंट कर ली, गलती से कि बहुत पैसा पड़ा है, इंपेशेंट हो गए, मार्केट करेक्ट हुई नहीं है पर लगा लिया, तो ऐसे रिटर्न्स आपको फिर नहीं मिलेंगे। दैट इज़ वाई SIP जो है थोड़ा सा सेफ इसलिए रहता है क्योंकि सभी मार्केट में देखा जाए ना तो किसी को डिटेल नॉलेज तो नहीं है। तो इससे बेटर यही है कि आप अपने जॉब पे, बिजनेस पे फोकस कीजिए, मार्केट को टाइम ना कीजिए कि कहाँ लगाना है, बेस्ट कहाँ पे। हाँ ऑफकोर्स अगर आपको मैसिव करेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं हो रहा है जहाँ पे बोल सके अरे बहुत करेक्शन हो चुकी है। सो SIP में थोड़ी सेफ्टी वैसे देखने मिलती है, मगर अगर लमसम भी आप करना चाहते तो वो भी बुरी बात नहीं है, प्रोवाइडेड आप उसको लंबे समय के लिए छोड़ दें। सो लमसम में पैसे कम लगते हैं, एंड में रिटर्न ज़्यादा बनते हैं, SIP में रिटर्न थोड़े कम बनते हैं, मगर आपको चिंता की बात नहीं होती यार, क्योंकि खर्चे वगैरह भी हमारे बहुत चल रहे होते हैं तो पैसे इतने नहीं बचते सबके पास जो है, ये मोड नहीं होता है लमसम का करने का। सो एनीवे हमने दोनों एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं, दोनों एग्जांपल में हमने समझ लिया है कि हमें रिटर्न्स कितने बनेंगे हमारे और कितना टाइम बाद बनेंगे, कौन सा मेथड बेटर है। मैं ये नहीं बोल रही कि लमसम बेटर है, SIP बेटर है, मगर आपके ज़रूरत अनुसार आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी के इंडिविजुअल हैं, आपके लिए SIP बेटर है या आपके लिए लमसम बेटर है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है डाउट दूर करने के लिए कि क्या आप SIP के लिए बने हैं या क्या आप लमसम के लिए बने हैं। मोटा पैसा है, हेल्दी अमाउंट है, ज़रूरत नहीं है उस पैसे की लंबे समय के लिए, लमसम कर लीजिए। मगर अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा बचता है, टेंशन फ्री जीना है, तो SIP कीजिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यही कुछ बातें थी, यही कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन SIP एंड लमसम। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो, डाउट आपके दूर हुए हो। अगर कोई भी फिर भी डाउट मन में आता है आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।